नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की इकोनी वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रैक्टर कंपनियों की सेल के बारे में। 2020 में कौन सी कंपनी ने कितने ट्रैक्टर्स बेचे हैं, तो इसकी डिटेल में मैं आपको जानकारी बताऊंगा। किस कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी है, किस कंपनी की जो सेल्स है वो कम होती जा रही है। टोटल 14 ट्रैक्टर कंपनी है जिनकी जानकारी मेरे पास है कि 2020 में उन्होंने टोटल कितने ट्रैक्टर बेचे हैं। मैं काफ़ी लंबे समय से इस वीडियो को बनाने का सोच रहा था, लेकिन अब जाके मुझे समय मिला इस वीडियो को बनाने का। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानकारी लेते हैं कि 2019 में और 2020 में दोनों में अपन कंपैरिजन करेंगे कि किस कंपनी ने कितने ट्रैक्टर बेचे हैं। फिलहाल किसान भाइयों, ये जो साल रहा 2020, ये इतना ज़्यादा ग्रोथ वाला तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर कंपनियों ने अच्छी पकड़ बनाए रखी। कुछ कंपनियों को काफ़ी घाटा लगा है, कुछ कंपनियों को छोटा मोटा प्रॉफिट आप 2019 के मुकाबले अगर देखें तो छोटा मोटा प्रॉफिट लगा है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी बताता हूँ। तो चलिए किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं नंबर वन पे कौन सी ट्रैक्टर कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बेचे हैं भारत के मार्केट में। और नंबर वन पे जो कंपनी है वो है महिंद्रा कंपनी। महिंद्रा के ट्रैक्टर्स काफी ज्यादा फेमस है, और इतना ही नहीं किसान भाइयों, जो स्वराज कंपनी के ट्रैक्टर्स भी आते हैं वो भी महिंद्रा कंपनी ने टेक ओवर कर रखी कंपनी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो ट्रैक्टर्स, दोनों कंपनी के जो ट्रैक्टर्स बिकते हैं वो महिंद्रा के खाते में जाते हैं। तो अगर हम देखें 2020 में जो है महिंद्रा कंपनी ने 291,901 ट्रैक्टर बेचे हैं। आप कह सकते हैं तकरीबन 3 लाख टच होते होती महिंद्रा कंपनी जो है रह गई है। अगर हम देखें 2019 में, तो महिंद्रा कंपनी ने 2019 में जो है तकरीबन 3,16,742 ट्रैक्टर बेचे थे। तो अगर आप देखें ग्रोथ देखें तो -7.8% की ग्रोथ जो है महिंद्रा कंपनी की रही है। फिलहाल 2019 और 2020 के कंपेरिजन अगर हम करें तो महिंद्रा कंपनी ने इतने बुरे साल में भी काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर की सेल्स करी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस महिंद्रा कंपनी ने दिखाया है, तो टॉप पर है महिंद्रा कंपनी। चलिए हम देखते हैं दूसरे नंबर की कंपनी, वो है टैफी। आपने मैसी ट्रैक्टर का नाम सुना होगा। मैसी ट्रैक्टर जो है भारत में काफ़ी बढ़िया फेमस हो रहे हैं। दरअसल बीच में मैसी कंपनी जो है भारत में बंद हो गए थे उनके ट्रैक्टर, लेकिन अब जब से भारत में ट्रैक्टर बिकना चालू हुआ है तो किसानों का भरोसा जो है मैसी कंपनी की और काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और किसानों के बीच में एक कहावत भी है कि घी खाओ देसी, ट्रैक्टर चलाओ मैसी। ये काफ़ी ज़्यादा लोग, किसान इस बात पर भरोसा रखते हैं। अगर हम देखें तो 1,20,151 जो है 2020 में इन्होंने ट्रैक्टर बेचे हैं। काफ़ी अच्छे ट्रैक्टर की बिक्री इस कंपनी ने करी है। अगर आप 2019 की सेल्स देखें तो तकरीबन 1,44,693 ट्रैक्टर इन कंपनी ने बेचे थे 2019 में। अगर ग्रोथ आप देखें तो -17% की ग्रोथ इस कंपनी ने करी है। फिलहाल पिछले साल के मुकाबले कम ट्रैक्टर जो है 2020 में बिके हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे ट्रैक्टर की सेल्स इस कंपनी की रही है। चलिए हम देखते हैं नंबर तीन की कंपनी। तो नंबर तीन पे जो कंपनी है वो है सोनालिका। सोनालिका कंपनी ने 92,998 ट्रैक्टर बेचे हैं। काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर इस कंपनी ने भी बेचे हैं। तीसरे नंबर पे कंपनी है। फिलहाल सोनालिका कंपनी के जो ट्रैक्टर्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी नए नए मॉडल्स भी इस साल 2020 में सोनालिका कंपनी ने निकाले थे, तो कहीं ना कहीं उसने परफॉर्मेंस दिया है। काफ़ी सारे किसानों ने उस ट्रैक्टर पर भी भरोसा दिखाया है। अगर हम देखें 2019 में, तो 2019 में तकरीबन 95,976 ट्रैक्टर कंपनी ने बेचे थे। अगर ग्रोथ अगर हम देखें तो -13.6% की ग्रोथ सोनालिका कंपनी की रही है। चलिए हम देखते हैं चौथे नंबर के ट्रैक्टर कंपनी के बारे में। तो चौथे नंबर पे जो कंपनी है वो है एस्कॉर्ट, जिसने 52,252 ट्रैक्टर बेचे हैं। अगर आप सोनालिका और एस्कॉर्ट के बीच में कंपैरिजन करें तो एस्कॉर्ट जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्जिन से रह गई है, सोनालिका कंपनी से पीछे रह गई थोड़े बहुत मार्जिन से। और पिछले साल भी कंपनी कहीं ना कहीं एक ही नंबर पीछे थी। 93,087 ट्रैक्टर टोटल इस कंपनी ने 2019 में बेचे थे। अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो -11% का ग्रोथ इस कंपनी का रहा है। देखा जाए 2020 के हिसाब से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस एस्कॉर्ट कंपनी ने भी दी है। एस्कॉर्ट कंपनी ने भी अपने कई नए मॉडल रिलीज़ करे हैं, तो उस वजह से भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। पाँचवें नंबर पर जो कंपनी है वो है जॉन डियर। जॉन डियर कंपनी काफ़ी नामी कंपनी है। जॉन डियर कंपनी की जो सेल्स है वो इतनी कुछ खास नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करें इतने बुरे साल होने के बाद भी इस कंपनी ने थोड़ी बहुत भी ग्रोथ करी है। मतलब आप कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है उन्होंने 0.3% की ग्रोथ करी है। इस कंपनी ने 2020 में 68,322 ट्रैक्टर बेचे हैं। अगर हम देखें 2019 में 68,132 ट्रैक्टर इस कंपनी ने बेचे थे। अगर आप कंपेयर करें 2019 और 2020 में तो काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर इस कंपनी ने बेचे हैं। 2020 जैसे साल में जब लॉकडाउन लगा रहा, ट्रैक्टर्स अवेलेबल नहीं रहे, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने ग्रोथ करी 0.3% की। उस हिसाब से अगर देखें तो जॉन डियर कंपनी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है।
चलिए बात करते हैं छठवें नंबर की ट्रैक्टर कंपनी के बारे में। तो छठवें नंबर पर जो ट्रैक्टर कंपनी है वो है न्यू हॉलैंड। न्यू हॉलैंड ने 26,745 ट्रैक्टर बेचे हैं इस साल 2020 में। अगर हम देखें 2019 में तो तकरीबन 31,256 ट्रैक्टर इस कंपनी ने बेचे थे। ग्रोथ परसेंटेज अगर हम देखें तो -14.4% इस कंपनी का ग्रोथ रहा है। देखा जाए कंपेयर करें तो ग्रोथ जो है काफ़ी कम रहा है। चलिए हम बात करते हैं सातवें नंबर की कंपनी के बारे में। सातवें नंबर की कंपनी की ग्रोथ परसेंट सुनकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। वो है सातवें नंबर पर जो कंपनी है वो है कबोटो। कई लोग इसको कबोटा भी बुलाते हैं, कई लोग कबोटो बुलाते हैं। आप जो भी बुलाते हो नाम आप समझ गए होंगे। इस कंपनी ने जो है 12,924 ट्रैक्टर बेचे हैं 2020 में। 2019 में जो है इस कंपनी ने 10,876 ट्रैक्टर बेचे थे। अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो इस कंपनी ने जो है 18.8% की ग्रोथ करी है। अगर आप देखें 2020 जैसे बुरे साल में इस कंपनी ने ग्रोथ करी है तो जाहिर सी बात है किसानों का भरोसा जो है कबोटो ट्रैक्टर की तरफ बढ़ता जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग इस ट्रैक्टर को पसंद कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी ट्रैक्टर कंपनी जो है परफॉर्मेंस दे रही है। नए नए शोरूम्स भी इस कंपनी के खुलते जा रहे हैं। अलग अलग स्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस ट्रैक्टर को खरीद रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं आठवें नंबर की कंपनी के बारे में। तो आठवें नंबर पर जो कंपनी है वो है VST। इस कंपनी ने जो है तकरीबन 6,703 ट्रैक्टर बेचे हैं 2020 में। 2019 की सेल्स की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने जो है 7,570 ट्रैक्टर बेचे थे। अगर ग्रोथ का परसेंटेज आप देखें तो -11.5% की इस कंपनी की ग्रोथ रही है। उतना ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं करा लेकिन फिर भी इस कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है। चलिए हम बात करते हैं नौवें नंबर की कंपनी के बारे में। तो नौवें नंबर पर जो कंपनी है वो है SDF। इस कंपनी ने जो है तकरीबन 4,102 ट्रैक्टर बेचे हैं। अगर हम देखें पिछले साल का 2019 में तो 2019 में इस ट्रैक्टर ने जो है तकरीबन 4,263 ट्रैक्टर बेचे थे। अगर हम ग्रोथ परसेंटेज देखें तो -3.8% का इस कंपनी का ग्रोथ रहा है। तो अगर आप देखें तो कंपनी ने इतना ज़्यादा ग्रो भी नहीं करा है लेकिन ज़्यादा लॉस में भी नहीं रही है। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया है। चलिए हम बात करते हैं दसवें नंबर की ट्रैक्टर कंपनी के बारे में। दसवें नंबर पर जो ट्रैक्टर कंपनी है वो है फोर्स। फोर्स कंपनी काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर लाती है, काफ़ी पुराना नाम है लेकिन फिर भी इस साल इस कंपनी की इतनी अच्छी खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। इस कंपनी ने 3,248 ट्रैक्टर बेचे हैं। अगर हम देखें 2019 में तो 2019 में तकरीबन 3,730 ट्रैक्टर इस कंपनी ने बेचे थे। ग्रोथ परसेंटेज अगर हम देखें तो -12.9% इस कंपनी की ग्रोथ रही है। कंपनी इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही क्योंकि सर्विस जो है कंपनी अब उतनी अच्छी नहीं दे पा रही है। चलिए हम बात करते हैं ग्यारहवें नंबर की कंपनी के बारे में। तो ग्यारहवें नंबर पर जो कंपनी है वो है कैप्टन। कैप्टन कंपनी ने 3,126 ट्रैक्टर बेचे हैं 2020 में। अगर आप देखें 2019 का तो 2019 में 2,961 ट्रैक्टर इस कंपनी ने बेचे थे। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने 2020 में ज़्यादा ट्रैक्टर बेचे हैं। तकरीबन 5.6% की कंपनी ने ग्रोथ करी है। चलिए हम देखते हैं बारहवें नंबर की कंपनी के बारे में। तो बारहवें नंबर पर जो कंपनी है वो है इंडोफार्म। इंडोफार्म कंपनी ने तकरीबन 2,875 ट्रैक्टर बेचे हैं 2020 में। 2019 में इस कंपनी ने जो है तकरीबन 3,158 ट्रैक्टर बेचे थे। -9% की इस कंपनी की ग्रोथ रही है। चलिए हम बात करते हैं तेरहवें नंबर की कंपनी के बारे में। तेरहवें नंबर पर जो कंपनी है वो है एस। एस कंपनी ने 2,055 ट्रैक्टर 2020 में बेचे हैं। और अगर हम बात करें 2019 के बारे में तो 2019 में इस कंपनी ने जो है तकरीबन 3,585 ट्रैक्टर बेचे थे। इस कंपनी की ग्रोथ रेट जो है सबसे घटिया है, तकरीबन -42.7% की इस कंपनी की ग्रोथ रही है। किसानों का भरोसा जो है वो इस कंपनी से धीरे धीरे उठता जा रहा है क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं उतना अच्छा फीडबैक नहीं दे रही, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे रही है। किसानों को जो है ये ट्रैक्टर इतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। चलिए हम बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी कंपनी के बारे में। चौदह नंबर पर जो कंपनी है वो है प्रीत। प्रीत ने 2020 में तकरीबन 1,643 ट्रैक्टर बेचे हैं। अगर आप देखें 2019 में तो 2019 में इस कंपनी ने 2,262 ट्रैक्टर बेचे थे। ग्रोथ परसेंटेज अगर हम देखें तो -27.4% इस कंपनी की ग्रोथ रही है। कंपनी ने उतना कुछ खास सेल नहीं कराया लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया अगर आप देखें इतने बुरे साल में ठीक ठाक परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दी है, ठीक ठाक ट्रैक्टर इस कंपनी ने बेच लिए हैं। फिलहाल किसान भाइयों ये थी जानकारी भारत के नामी ट्रैक्टर कंपनियों के बारे में कि कितने ट्रैक्टर्स इस कंपनी ने 2020 में और 2019 में बेचे हैं, कितनी ग्रोथ किस कंपनी ने करी है। तो टॉप पे अगर देखें तो महिंद्रा कंपनी और लास्ट में जो है प्रीत कंपनी है। अगर हम बात करें कि 2020 जो साल है वो कौन सी कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया रहा है तो वो है कबोटा ट्रैक्टर। कबोटा ट्रैक्टर ने तकरीबन 12,924 ट्रैक्टर बेचे हैं। अगर ग्रोथ का परसेंटेज आप देखें तो 18.8% की ग्रोथ कबोटा कंपनी ने करी है। तो जाहिर सी बात है कबोटा कंपनी जो है नई आई है मार्केट में लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। काफ़ी ज़्यादा किसान इस ट्रैक्टर को पसंद कर रहे हैं। और अगर हम सबसे लॉस वाली कंपनी देखें तो वो है एस कंपनी। एस कंपनी की जो ग्रोथ परसेंटेज रहा है तो वो है -42.7%। तो फिलहाल किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और मेरी सलाह यही रहेगी आप कोई सा भी ट्रैक्टर अगर ले तो सोच समझ के लीजिएगा कि कौन सी कंपनी जो है कितनी बढ़िया सर्विस दे रही है, कितने उस कंपनी के ट्रैक्टर बिक रहे हैं। अगर आप ज़्यादा लॉस वाली कंपनी के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा बहुत लॉस रहेगा। पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी और कहीं ना कहीं रीसेल जो है वो धीरे धीरे इस वजह से पिटती भी जाती है ट्रैक्टर्स की।
तो फिलहाल किसान भाइयों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है और इस तरीके की आपको नई नई जानकारी चाहिए तो आप अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जानकारी जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।